अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जमात पंजम यानी कि क्लास फाइव का हमारा कायदो इंशा का काम है मज़मून नवेसी। मज़मून मेरी पसंदीदा शख्सियत है, सफ़ा नंबर है आपका 93 यानी 93। मज़मून के बारे में मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि किसी भी मौजू या उनवान पर ख्यालात का इजहार तहरीरी तौर पर करना मज़मून नवेसी कहलाता है। मज़मून में अपने ख्यालात का इजहार हम सादा और आम फहम अंदाज में करते हैं। मज़मून को नहायत दर्जा खुश खत लिखिए ताकि आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा जा सके। तो यहाँ पर हमारे पास है मज़मून मेरी पसंदीदा शख्सियत। मेरी पसंदीदा शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत बीबी आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी परवरिश हज़रत अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन नहायत सादगी से गुजरा। हमारे नबी नहायत सुलह पसंद इंसान थे। इब्तिदा ही से आप बहुत रहम दिल और शफीक इंसान थे। दुनिया की रंगीनियों से आपको कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप बहुत अच्छी आदात और आला अखलाक के हामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम दरदवजा इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दी। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। आपका रोज़ा मुबारक मदीना मुनव्वरा में है। थैंक यू।